नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एप्सन प्रिंटर रीसेट कैसे किया जाता है। तो ये हमारे पास एप्सन का L405 प्रिंटर है, जो इसमें सर्विस रिक्वायर्ड की ये एरर आ रही है और तीनों लाइटें बारी बारी ब्लिंक कर रही हैं। तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर या टैबलेट से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास टैबलेट है, क्योंकि मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ और वेस्ट एडजस्टमेंट प्रोग्राम में जाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको वेस्टिंग पैड रीसेट चुनना है और यहाँ पे टिक लगाना है और इंस्टॉलाइजिंग करना है। और ये ओके, और यहाँ पे बोलेगा कि आपको प्रिंटर ऑफ। तो मैं एक बार प्रिंटर ऑफ कर देता हूँ और एक बार फिर से चालू करूँगा। तो ये मैंने प्रिंटर फिर से चालू करता हूँ मैं, ये मैंने प्रिंटर फिर से चालू कर दिया है। देखते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहले प्रॉब्लम आ रही वो सॉल्व आउट हो गई है। और कोई भी अपन फोटोकॉपी करके देखेंगे। ये मैं पेज लगाता हूँ और एक बार फोटोकॉपी करके देखता हूँ। और ये वाला बटन प्रेस करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो, प्रिंटिंग के लिए पेपर अंदर खींच लिया है और ये प्रिंट होना चालू हो गया है। प्रिंटर बिल्कुल कंप्लीट है। तो दोस्तों, ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।